कौन है? इसका कोको नाम है भाई साहब, कोको। तो गाइस हमने लिया है सबसे पहले एक चिकन वाला, एक अपना इटालियन। देखो अब हो रही है भाई साहब, कितने सारे हैं देखो, एक साथ ही। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इतना ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं सोया हूँ आराम से 10 घंटे से ऊपर। लेकिन अब हमें बेट जाना है, यहाँ से होगा 3 घंटे मैक्सिमम, घूमते घामते जाएंगे आराम से। बस ये जाम से बच जाए मैक्लोडगंज के। और हमेशा याद रखना मैक्लोडगंज में मेन स्क्वायर पे सैटरडे संडे बहुत जाम रहता है, सोच समझ के आना। बस हमने मंगा लिया खाना और आज था मेरा पोहा खाने का मन भाई। सो मैंने पोहा मंगाया वो अपना आलू पराठा विद बटर। मजे से इसे खत्म करते हैं फिर आपको सीधा गाड़ी पे बैठ के चलते हैं बिर की तरफ। वो दिखाते हैं बिर का रास्ता, और बिर का रास्ते वैसे बहुत सुंदर है यार, मैं आपको दिखाता हूँ बीच में मस्त मस्त जगह। वेट एंड वॉच भाई साहब, लगा हुआ है आगे खतरनाक जाम, यही होता है मैक्लोडगंज में, थोड़ा लेट हो जाओ तो। मुझे सीधा निकलना है, गाड़ी वाले को लेफ्ट निकलना है, इसने गाड़ी फंसा रखी है, क्या ही होगा दुनिया में। गाइस हमने पेट्रोल भरवा लिया है, अब आराम से पहुंचेंगे बिर, और सिर्फ 67 किलोमीटर और हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला, देख लो जी। और धर्मशाला भी बहुत प्यारा लगता है यार, शांत सा, चौड़ी चौड़ी सड़कें, मतलब जैसे मैक्लो में बहुत पतली सड़कें हैं ना, धर्मशाला में प्रॉब्लम नहीं है। धर्मशाला में क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है स्टेडियम वगैरह सब है, लिटरली बहुत अच्छा प्यारा लगता है धर्मशाला। और धर्मशाला मान लो अगर आप धर्मशाला पहुंच गए तो आप वहां से काफी जगह निकल सकते हो, तो ये मान लो एक काइंड ऑफ सेंटर पॉइंट। एक बार जब पहाड़ चालू हो जाए भीड़ वगैरह के, तो आपको दिखाता हूँ अच्छे से शॉट्स। वेट गाइस, हम पहुंच चुके हैं पालमपुर, और ये देखो यहाँ पतली पतली सड़कें चालू हो चुकी है। और मैं सच बताता हूँ कितनी बार मैं पालमपुर आ चुका हूँ, मतलब कैसे हम रास्ते में ही पड़ता है, मैं कभी रुका नहीं हूँ, लेकिन प्यारा सा लगता है पालमपुर, कभी मौका मिले तो पक्का रुकूंगा। बाकी हमारा बचा ही कितना है यार, अब बचा है सिर्फ 27 किलोमीटर, क्योंकि हमें जाना है बिर। ओ भाई ये देखो जिमनी, देख लो जी यार, जिमनी पता नहीं क्यों ही निकाली यार, बुरी सी गाड़ी। अगर किसी को पसंद है तो मुझे एक रीजन देना क्यों उन्हें जिमनी पसंद है। Guys, finally, we are in Bir. भाई साहब मैं उसी होटल में रुका हूँ जहाँ मैं पहली बार बिर आया था, तो मैं इसी होटल में रुका था, बिर होटल। तब ये होटल कैसा था, ये पूरी प्रॉपर्टी थी नहीं, मेरा रूम यहाँ सेकंड फ्लोर पे था, और पूरी नई प्रॉपर्टी बनी है इनकी। रूम्स अभी भी वैसे ही हैं, जो हमारे वाले रूम्स थे वो भी अच्छे कर दिए उन्होंने, तो हमने रूम ले लिया है यहाँ पे। और सामने देखो चाय के बगान, एक बार मैं फ्रेश हो जाता हूँ, चेक इन कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको पूरा बिर। कौन है भाई? इसका कोको नाम है ओ भाई साहब, कोको। ओ काट, देखो जी हमने लिया है वुडन कॉटेज, इसका इतना मस्त सा है। और ये वॉशरूम क्यू, और सोचो सिर्फ कितने का होगा, सिर्फ 800 रुपये ओनली। भैया ने, हम पुराने ग्राहक थे तो हमें डिस्काउंट भी लगा है। तो रुको मैं चेक इन करता हूँ, फिर चलते हैं बिर घूमने। हम चलते हैं बिर की गलियों में, सच बताता हूँ बिर इतना शांत, इतना मस्त लगता है ना, कुछ कुछ जगह तो दिल ही छू जाती है इसकी। और मैं सच बताऊँ तो 2 घंटे ड्राइव करके मैं कुछ हुआ भी नहीं, थका भी नहीं हूँ, पूरी एनर्जी बॉडी। अभी जा रहे हैं हम लैंडिंग पॉइंट में, वो भी जाएंगे मार्केट के थ्रू, दिखाता हूँ आपको। भैया देखो सारे टी के बाग, आज खाली खाली सा लग रहा पूरा बिर। और यहाँ पर नई नई प्रॉपर्टीज भी बन रही है, और इतना खाली है कि लोग ही नहीं दिख रहे, या तो ये भी उसका दिन चल रहा है। पहुँचने वाला लैंडिंग साइट पे दिखाता हूँ आपको, इतना प्यारी जगह लगती है ना वो, A1। चुके हैं पैराग्लाइडिंग साइट पे, देखो कितना मस्त लगता है यार ये। और अभी मुझे लग रहा है कम लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे ना इतने सारे उतरते हुए दिखते हैं। देखो एक दिख रहा है ऊपर, बाकी कोई नहीं है अभी। अभी देखो कोई उतरता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कितना प्यारा लगता है पैराग्लाइडिंग, लेकिन मेरे को थोड़ा डर सा लगता है तो मैं करता नहीं, हाइट फोबिया है ना, लेकिन करूँगा कभी ना कभी।
भाई साहब देखो कितना ऊपर से, वहां से चालू होती है आपकी पैराग्लाइडिंग और यहाँ आके आप करते हो लैंड। और याद रखना वो जगह का नाम बिलिंग है और ये जगह है आपकी बिर। बिर बिलिंग साथ लेते हैं लेकिन हाँ 16 किलोमीटर ऊपर है अगर आप बाय रोड जाते हो तो। ओ भाई साहब मस्त नहीं है, मजा आ रहा देखने में भाई साहब। देखो हम आए हैं हिमालयन पिज्जा और मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। यहाँ से व्यू अच्छा है यार। बाकी हमने मंगाए, मैंने एक मंगाया है इटालियन पिज्जा इनका ट्राई करने के लिए, एक चिकन में और इनकी कोल्ड कॉफी, देखते हैं कैसा टेस्ट है। अच्छा होगा नहीं होगा पता लगेगा, दोनों टेस्ट करता हूँ। आइस लैटी भी अच्छी है, फ्राई विद चिकन वाला मैं कर रहा हूँ स्पिनिश तो करता हूँ थोड़ा। भाई साहब यहाँ पे इतनी वाइन शॉप्स हैं, इतनी वाइन शॉप्स हैं, हर 100 मीटर है वाइन शॉप। यहाँ पे एक मून शाइन मिलती है आई थिंक, मैंने एक ली है, उसका टेस्ट है छोटा सा लेकिन भाई साहब इतनी वाइन शॉप क्या ही बोले, वाइन शॉप भी वाइन शॉप। भाई साहब रात में हमारा होटल क्या लगता है यार, देखो कूल सा। सो गाइस आ गए घूम के अच्छे से, तो अब जो भी घूमना होगा कल होगा। कल में हम जाएंगे, दो मोनेस्ट्री हैं यहाँ पे, ओल्ड एंड न्यू, पता नहीं शेर ऑफ इंडिया ऐसे कुछ नाम है, मुझे नाम नहीं आता। और एक जाएंगे ख्याल से बैजनाथ, और दोनों यहाँ से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होंगे। तो आराम से कार लेके जाएंगे, मैंने पता कर लिया आराम से कार जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वैसे टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू टाटा। एंड चैनल बने हो तो सब्सक्राइब कर लो यार।